नमस्कार मुलानो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। तर बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या ऑनलाईन अध्यापन, राज्यव्यापी ऑनलाईन अध्यापन प्रकल्पामध्ये आपलं सर्वांचं हार्दिक स्वागत आहे। माझं नाव आहे अश्विनी दुर्गे आणि माझी शाळा आहे सयानी रोड मनपा उच्च प्राथमिक हिंदी शाळा। आणि आज आपण अभ्यासणार आहोत हिंदी सुलभ भारती विषय। मी माझी स्क्रीन शेअर करते, प्लीज थोडं वेट करा। ओके, स्क्रीन विजिबल आहे? स्क्रीन दिसते आहे? हो टीचर। हो टीचर। तर आज आपण अभ्यासणार आहोत इयत्ता 7वी मराठी माध्यमाचं विषय हिंदी सुलभ भारती। आणि माझं नाव आहे अश्विनी दुर्गे। तर मुलांनो, आज दिनांक आहे 5 जानेवारी 2022 आणि आजचं दिन विशेष आहे राष्ट्रीय पक्षी दिवस, नॅशनल बर्ड्स डे। तो आप सबको पता है हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? हाँ मैम, मुझे मालूम है। मैम मोर है। यस, हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और हमें सिर्फ राष्ट्रीय पक्षी नहीं बल्कि हमारे देश में जो जो पक्षी पाए जाते हैं, जितनी प्रजातियां हैं, उन सभी का संवर्धन करना है, इसलिए यह दिवस मनाया जाता है पूरे राष्ट्र भर में। और आज का सुविचार है, कोई पढ़ेगा आज का सुविचार? अनेकता में एकता हमारी शान है, इसलिए भारत महान है। वेरी गुड। इस स्वीचार से किसी को क्या समझ में आया है, बता सकते हैं कोई? हाँ मैम, मैं बताऊ। अनेकता मीन्स आपका जो संघ पाएगा उसमें ही एकता है, उसके उसमें ही बोल है। ये हमारा ज्ञान है, यही हमारा, यही हमारी बुद्धि है, यही हमारा ज्ञान है। इसलिए मेरा भारत महान है, इसलिए मेरा भारत महान है। वेरी गुड बेटा। तो हमारा जो देश है, हमारे हमारे देश में अलग जाति के, अलग धर्म के, अलग पंथ के लोग एक साथ मिलजुल के रहते हैं। हमारे देश में बहुत ही ज्यादा विविधता पाई जाती है और उसी विविधता के बीच हमारे देश में एकता है, और यही एकता हमारे देश की मिसाल है, हमारे देश की शान है। इसलिए हमारा देश कैसा है? महान है। यह हमारा आज का सुविचार है। तो बच्चों, यहाँ पर स्क्रीन पर मैं आज कुछ लाइंस आपको दे रही हूँ, ये आपको पढ़ना है। ये कुछ गीत है, तो ये गीत के गीत आप गाकर भी बोल सकते हैं, और अगर नहीं आ रहे हैं आपको तो आपको इसको सिर्फ पढ़ना है, ठीक है? ये आपके आप बहुत बार ये गीत सुनते हैं। टीचर मैं पढूं? जी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल है उसके ओ गुलसिता हमारा। वेरी गुड। मोहम्मद इकबाल जी का लिखा हुआ ये बहुत ही अच्छा गीत है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आगे है ये एक दूसरा गीत यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है, कौन पढ़ेगा? खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। वेरी गुड। लता मंगेशकर जी ने गाया हुआ यह गीत है, ए मेरे वतन के लोगों। ये बहुत ही ज्यादा इसे हम हम अपने देशभक्ति राष्ट्रीय त्योहार जो है 15 अगस्त 26 जनवरी इस समय पर ये गीत हम सुनते हैं। आगे देखिए, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। वेरी गुड बेटा। अगला अगला गीत है,
कोई और गाइए। मैं पूछाओ पूछो। स्वर चले हम फिता जानो ओ तन साथियो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियो साथियो। कर चले हम फिदा जानो तन साथियो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियो। ये वाला जो गीत है ये भी हम हमारे राष्ट्रीय त्योहार पर ये गीत सुनते हैं। अगला गीत है जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया कहती है बसेरा, ओ भारत देश मेरा। वेरी गुड। अभी बच्चों आपने यहाँ पर मैंने आपके स्क्रीन पर पांच गीत आपके सामने रखे हैं, तो आप इन पांचों गीतों से क्या समझ में आता है कि किस तरह के गीत होंगे? भारत कितना महान, भारत देश के राष्ट्रीय गीत। वेरी गुड। भारत देश के हम इन्हें राष्ट्रीय गीत नहीं बोल सकते, लेकिन हम इन्हें राष्ट्रभक्ति पर गीत बोल लेंगे। क्या है ये हमारे राष्ट्रभक्ति गीत? इन सारे ये जितने भी राष्ट्रभक्ति पर गीत गाए हुए हैं, इसमें हमारे देश की महानता के बारे में बताया गया है। तो ऐसे ही एक हमारे यता साध्वी सुलभ भारती की किताब में एक कविता दी गई है जो राष्ट्रभक्ति के ऊपर है या जो देश प्रेम के ऊपर है। तो ऐसी एक कविता हम लोग इस पाठ में अध्ययन करने वाले हैं। तो आज की कविता है हम चलते सीना तान के, आपके पाठ्य पुस्तक पर 48 पेज नंबर 48 पर यह कविता है। और इस कविता के कवि है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो हम सबसे पहले कविता के कवि के कवि का परिचय करेंगे। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी जो है, ये आपको इनकी तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। और इनका परिचय है, जन्म इनका 27 नवंबर 1907 को हुआ, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ है। मृत्यु उनकी 18 जनवरी 2003 को हुई। उनकी कुछ रचनाएं हैं, मधुशाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलू क्या याद करूं, दस द्वार से सोपान तक, भीड़ का निर्माण फिर, यह आदि उनकी कुछ रचनाएं हैं। बच्चन जी हिंदी कविता में उत्तर छायावाद के प्रमुख कवि हैं। और आप जानते हैं कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी जो है, हम सभी वाकिफ है, हमारे एक बहुत ही दिग्गज अभिनेता है श्री अमिताभ जी बच्चन, इनके ये पिताश्री है। और इन्होंने इस कविता में हमें, ये जो हमारी कविता है हम चलते सीना तान के, इस कविता में उन्होंने हमें समता, बंधुत्व और श्रम और देश प्रेम की भावना के महत्व को प्रतिपादित किया है। ये आपकी पाठ्य पुस्तक की किताब है हम चलते सीना तान के। सबसे पहले हम इस कविता का गायन देखेंगे। ये यूट्यूब से एक वीडियो मैंने पाया है, हम इसका गायन सुनते हैं। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषा
बच्चों कविता सुनाई दी आपको? यस मैम। हाँ टीचर सुनाई आपको? यस यस। तो चलो आज ये कविता हम समझते हैं। तो कविता का नाम है हम चलते सीना तान के। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, पर्वत सागर तट वन मरुस्थल मैदानों से हम आए। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। यह कविता जो है हम भारतवासियों के लिए गाई गई है, जो हम भारत माता के बेटे हैं, हम जो बच्चे हैं भारत माता के, ये इन्होंने ये कविता इनके द्वारा गाई गई है। धर्म अलग हो, जाति अलग हो, वर्ण अलग हो, भाषाएं, हमने मैंने आपको पहले ही बताया हमारा जो देश है ये हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग, जाति के लोग, वर्ण के लोग और अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। पूरा जो देश है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई गुजराती बोलता है, कोई मराठी है, कोई महाराष्ट्रियन है, तो कोई कन्नड़ तमिल है। तो ऐसे अलग अलग प्रांत है पूरे देश में, हमारे विविधता है। तो अलग अलग भाषाएं, वर्ण के, धर्म के लोग हमारे देश में साथ में मिलकर रहते हैं। और साथ ही में हमारे देश में बहुत सारी भौगोलिक विविधता भी पाई जाती है। जैसे उत्तर की तरफ गए हम तो हिमालय की पर्वतरांगाएं है, समुन्दर है हमारे देश के तीनों तरफ से, हमारे देश को समुन्दर ने घेरा हुआ है। वन मरुस्थल, हमारे देश में बहुत ही ज्यादा जंगल पाया जाता है। और साथ में मरुस्थल, मरुस्थल का अर्थ क्या होता है बच्चों? रेगिस्तान। वेरी गुड। तो हमारे देश में रेगिस्तान भी है। आपको पता है कहाँ पर है रेगिस्तान? हाँ टीचर, राजस्थान। वेरी गुड। तो राजस्थान, इस राज्य में बहुत ही ज्यादा रेत पाई जाती है। तो वह जो प्रदेश है वो रेगिस्तान या मरुस्थल प्रदेश है। और साथ में मैदानों से, यह हमारे देश की विविध भौगोलिक विविधता है और यह हमारे देश की विशेषता है। फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, हमारे देश की जो फौजी वर्दी, मतलब किनके बारे में बताया गया होगा बच्चों? सैनिकों के बारे में। तो हमारे देश के सैनिक जो है हमारी देश की सीमाओं पर रक्षण करने के लिए हमेशा तन के खड़े हुए हैं। और हम जो भारत माता के बेटे हैं, हम कैसे चलते हैं? सीना तान कन। वेरी गुड। भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। यहाँ पर एक शब्द आया है मरुस्थल, जिसका अर्थ होता है रेगिस्तान। रेगिस्तान। साथ साथ में हम जो कठिन शब्द आए हैं उनको भी, उनका भी अध्ययन करते जाएंगे। अगली कविता की पंक्तियां है, हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रचकन हमको ममता समता से अपनाए हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रचकन के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। हिंदुस्तान हमारे देश को एक और एक हमारे भारत देश का और दूसरा एक नाम है, क्या है वो? हिंदुस्तान। हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं। हम जो बच्चे हैं, हम हमारी पैदाइश जो है वो भारत देश में हुई है, इसलिए हमें भारत देश की नागरिकता मिली है। तो ये भारत देश की जो मिट्टी है इसमें हम खेले हैं, और इसमें हम जो मिट्टी में जो भी अनाज उगता है उस अनाज से ही हमारा जीवन व्यापन होता है, हमारा पेट भरता है। तो यही मिट्टी में हम खेलते हैं और इसी मिट्टी में हम हमारा पेट भरते हैं, हम अपना जीवन व्यापन करते हैं। जिसकी रचकन हमको ममता समता से अपनाए हैं, इसका अर्थ होता है रचकन। यहाँ पर एक नया शब्द आया है, रचकन अर्थात जो मिट्टी के कण होते हैं, धूली कण होते हैं, उन्हें हम रचकन कहेंगे। जिसकी रचकन हमको ममता समता से अपनाए हैं। यहाँ पर और एक शब्द आया है ममता, जिसका क्या अर्थ हो सकता है बेटो? ममता का अर्थ क्या? माया, प्यार, प्रेम। ये जो हमारी भारत भूमि की जो मिट्टी है, ये मिट्टी ने हमको किस तरह से अपनाया है? ममता से और समता से। समता मतलब
समानता, या मिट्टी किसी का भेदभाव नहीं करती कि कोई हिंदी है, कोई मराठी है, कोई गुजराती है, या कोई हिंदू है, या कोई मुस्लिम है, सबको समता से अपनाती है, समानता से अपनाती है। कर्ज चुकाने हैं उनको उन रचकन के एहसान के, ये मिट्टी ने जो हमारे ऊपर एहसान किया है हमें उनके कर्ज चुकाने हैं, हमें उस एहसान के कर चुकाने हैं या उस उपकार के कर चुकाने हैं, क्योंकि हम भारत माता के बेटे हैं। और हम किस तरह से चलते हैं? सीनातान के। वेरी गुड। कविता की अगली पंक्तियां हैं, जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। जिसकी पूजा में सदियों से श्रम के फूल चढ़ाए हैं, हमारे देश का विकास करने के लिए किसानों से लेकर हमारे बड़े बड़े उद्योगपति और श्रमिक मजदूर सब लोग क्या करते हैं? श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तभी हमारे देश उन्नति की तरफ बढ़ रहा है, हमारा देश विकास कर रहा है। तो जो जो यहाँ पर श्रमिक है, मजदूर है, उनको हम श्रम के फूल चढ़ाते हैं। क्या करेंगे हम उनको? श्रम के फूल चढ़ाते हैं। और जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं, पुरखों ने मतलब हमारे जो पूर्वज थे, हमारे देश में ऐसे कई महान नेताएं हुए हैं, महान महापुरुष हुए हैं जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए, जैसे भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद है, महात्मा गांधी जी है, रानी लक्ष्मीबाई है, ऐसे कई महान पुरुषों ने हमारे देश में अपने देश की रक्षा करने के लिए अपने जान की परवाह नहीं की, अपने प्राणों की बलिदानी दी, शीश कटाए है मतलब अपने अपने प्राण दिए है, प्राण की आहुति दी है। तो हमारे देश की रक्षा में इन जिन जिन महापुरुषों ने अपना बलिदान दिया है, हम उनको भी, हमें उनको भी स्मरण करना चाहिए या उनको भी प्रणाम करना चाहिए। हम रखवाले पौरुष वाले उसके गौरव मान के, हम हमारे देश के गौरव को गौरव का सम्मान करेंगे और हमारे देश के गौरव को बनाए रखेंगे, क्योंकि हम भारत माता के बेटे हैं। अगली कविता की पंक्तियां हैं, हम गिर जाए किंतु न गिरने देंगे देंगे देश निशान को, हम मिट जाए किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को, हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। ये जो कविता की पंक्तियां हैं, ये कविता की पंक्तियां है हमारे देश के निशान। निशान, हमारे देश के निशान कौन कौन से है बताइए बच्चों? निशान मतलब तिरंगा, जैसे हमारा ये राष्ट्र ध्वज है। हम गिर जाए किंतु न गिरने देंगे देश निशान को, हम खुद, अभी हमारा एक राष्ट्रीय त्योहार आने वाला है 26 जनवरी, तो हम उस दिन हमारे हाथ में राष्ट्रध्वज लेकर हम शाला में जाते हैं या कहीं और जाते हैं, तो ऐसे समय में बहुत सारे राष्ट्रध्वज हमको इधर उधर पड़े हुए मिलते हैं, लेकिन हमें इस तरह की कृति नहीं करनी है। हम गिर जाए किंतु न गिरने देंगे देश के निशान को, हम खुद गिर जाएंगे लेकिन हमारे देश के निशान को, हमारे देश के किसी भी राष्ट्र प्रतीक को हम गिरने नहीं देंगे। हम मिट जाए किंतु न मिटने देंगे हिंदुस्तान को। जो सैनिक लोग होते हैं उनकी यही कामना रहती है कि वो खुद अपने जान दे देंगे लेकिन हमारे देश को कुछ आंच ना आने देते हैं। तो इसीलिए हमारा देश जो है सुरक्षित है। तो हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के, बलिदान अर्थात किसी प्राण देना। तो हमारे देश की जितने सैनिक है या हमारे देश की जो लोग है, वो बलिदान में सबसे आगे रहते हैं। अगर उनको अपने जान की भी अपनी जान भी देनी पड़ी तो अपनी जान की परवाह न करते हुए ये भारत माता के बेटे जो है हमारे देश के लिए बलिदान दे देते हैं। कविता की अगली पंक्तियां हैं,
जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे, उनकी गाथा है भारत के गांव नगर घर गाएंगे। अगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, वीरत्व और विवेक और समर। वीरत्व मतलब जो बलिदान दे देते हैं तो वो वीर हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो उन्हें हम वीरत्व कहेंगे। जो वीरत्व विवेक समर में, समर मतलब होता है युद्ध भूमि, युद्ध भूमि में जो लड़ते हुए वीरत्व प्राप्त करते हैं, जो जान दे देते हैं, जो शहीद हो देते हैं, वो कौन है? वो सैनिक। ऐसे सैनिक हम दिखलाएंगे, उसकी गाथाएं भारत के गांव नगर घर गाएंगे। जो सैनिक वीर हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनको हम भूल जाएंगे क्या? नहीं, उनकी गाथाएं जो है, उनका स्मरण हम गांव गांव नगर नगर घर घर में करते हुए हम उनको याद करेंगे और शहीदों के बलिदान को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अनगिन कंठों में गूंजेंगे बोल हमारे गान के। अनगिन मतलब अगिनत, अगिनत हम जितने भी देशवासी है, उन सारे देशवासियों के गले से या कंठों से यही गाना, शहीदों का गाना हम गाएंगे, क्योंकि हम भारत माता के बेटे हैं और हम सीना तान के चलते हैं। बच्चों, ये हमारी कविता थी आज की, हम चलते सीना तान के, जो किनके द्वारा लिखी गई है? हरिवर्षन राय बच्चन। वेरी गुड। यहाँ पर कुछ शब्द आए हैं, मरुस्थल का अर्थ होता है रेगिस्तान। रचकन मतलब धूलीकरण का अर्थ होता है उपकार। पुरखे मतलब पूर्वज। और समर का मतलब होता है युद्ध। वेरी गुड। और जैसे हम समरांगन बोलते हैं, तो समरांगन मतलब क्या होता है? युद्ध भूमि, जहां पर युद्ध लड़ा गया है। और यहाँ पर एक मुहावरा भी आया है, सीना तानकर चलना, गर्व से चलना। इस मुहावरे का अर्थ कोई बताए, कोई वाक्य में प्रयोग कर पाएगा? हाँ मैडम, भारत माता के बेटे हम गर्व से चलना। हम सीना तान कर चलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश बेटा। तो ये हमारे कुछ कठिन शब्द है इस कविता। आपको समझ में आई है ना सबको? हाँ, वेरी गुड, मुझे तो बहुत पसंद आई। यहाँ पर कविता के कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं, ये आपको पूरे करने हैं। खाली स्थान वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के, क्या आएगा यहाँ पर? फौजी वर्दी में हम सबसे पहले हिंदुस्तान के। अगली कविता की पंक्तियां हैं, जिसकी खालिस्तान हमको ममता समता से अपनाए हैं, क्या आएगा? जिसकी रखन हमको ममता समता से अपनाए, अर्थात धूलिकण, जिसकी रचकन ने हमको ममता समता से अपनाए हैं। अगला है, जिसकी रक्षा में खालिस्तान ने अगणित शीश कटाए हैं, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं। वेरी गुड। पुरखों मतलब किसने बेटा? पूर्वज, जो हमारे देश के लिए बलिदान दिए हैं, ऐसे महापुरुषों ने हमारे देश के लिए बलिदान दिए हुए प्राण की आहुति दी है। तो यहाँ पर आएगा पुरखों ने, जिसकी रक्षा में पुरखों ने अगणित शीश कटाए हैं। अगली पंक्तियां हैं, हम गिर जाए किंतु न गिरने देंगे देश के निशान को। हमारे देश के निशान कौन कौन से हैं? राष्ट्रध्वज, तिरंगा। वेरी गुड। जो वीरत्व विवेक खालिस्तान में हम सैनिक दिखलाएंगे, जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे। वेरी गुड। जो वीरत्व विवेक समर में हम सैनिक दिखलाएंगे। समर का अर्थ होता है युद्ध। शाबाश बच्चों, इस तरह से ये हमारी आज की कविता है,
और इस कविता से आपको एक गृह कार्य करना है, आपको निबंध लिखना है यदि आप सैनिक होते तो। इस विषय पर आपको 10 से 15 पंक्तियों में निबंध लिखना है कि यदि आप सैनिक होते तो क्या करते, आप किस तरह से रहते, तो इसके ऊपर आपको निबंध लिखना है। थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। थैंक यू टीचर, हमें खूब मजा आया। थैंक यू। थैंक यू टीचर।